आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। आप मेरे साथ देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बात अपने देश की। दोस्तों, बात अपने देश की है इसलिए हमारा मुद्दा केवल देश से जुड़ा होता है, क्योंकि देश ही सर्वोपरि है। हमारे मुद्दे में कहीं भी कोई आहट किसी राज्य, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं होती है। हमारे देश का जो मुद्दा है वही मेरे इस कार्यक्रम का चर्चा का विषय होता है। आपको बता दूं, अभी कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पास किया है जिसमें जो लड़कियों की उम्र, शादी की उम्र है, उसको 18 साल से 21 साल करने की बात कही गई है। हालांकि इस प्रस्ताव के बाद कई बड़े संशोधन करने पड़ेंगे, पर सबसे बड़ी बात है जो ये फैसला है वो बहुत ही सकारात्मक है। आपको बता दूं, इस फैसले की जो नींव है वो पिछले साल ही स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रख दी गई थी, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्वजारोहण के बाद कहा था कि देश की आबादी के लिए हम कुछ बड़े कानून बनाएंगे। वो कानून बनाएंगे जो आने वाले समय में महिलाओं को सुरक्षा के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी तमाम व्यवस्थाओं को बेहतर करने में काम आएंगे। उन्होंने कहा भी था कि हो सकता है कि जो विवाह अधिनियम है उसमें भी कुछ संशोधन किया जाए और जो महिलाएं हैं उनको उस स्तर तक पहुंचाया जाए जिसकी वो वरीयता रखती हैं, उसकी योग्यता रखती हैं। पर सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि उस कानून को कितनी जल्दी से, उस बात को कितनी जल्दी से रूपरेखा रची गई, बात की गई और ये प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में पास किया गया। वो प्रस्ताव जो लगभग 43 साल बाद आया है। 43 साल का समय बहुत बड़ा समय होता है। ऐसा एक प्रस्ताव 1929 में आया था, ऐसा एक प्रस्ताव 1978 में आया था और ऐसा ही अब एक प्रस्ताव पास हुआ है, वो हुआ है 2021 में, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उपलब्धि देश के लिहाज से, उपलब्धि आबादी के लिहाज से, उपलब्धि देश की आधी आबादी के हिसाब से, क्योंकि देश की आधी आबादी भी देश के विकास में उतना ही योगदान रखती है, उतना ही योग्यता रखती है, उतना ही जगह रखती है। इसलिए ये जो कानून है, ये जो प्रस्ताव है, ये बहुत बेहतर समय पर आया है। पर इस प्रस्ताव पे लोगों की क्या राय है, देखते हैं मेरी एक रिपोर्ट। क्या कुछ इस पे बेहतर होगा, लोगों की क्या राय है, हम देखते हैं मेरी रिपोर्ट में। देखिए कि किस तरह से इस प्रस्ताव पर जो लोगों की राय है, जो महिलाओं की राय है, क्या कुछ राय है इस प्रस्ताव पर। विपक्ष भले ही केंद्र सरकार पर महिलाओं के तमाम मुद्दों पर घेरती आई हो, पर सरकार महिलाओं के मुद्दे को लेकर बड़े फैसले लेने में कोताही नहीं बरतती और समय समय पर ऐसे कानून लाती है जिससे देश की आधी आबादी को लाभ मिलता है। चाहे वो नौकरी में आरक्षण हो या सेना में पहल को लेकर, या फिर राशन की सामान्य वितरण प्रणाली हो, उसमें भी महिलाओं को ही मुखिया बनाया गया है। और हो भी क्यों ना, एक कुशल गृहिणी होने के नाते घर को चलाने की जिम्मेदारी भी महिला की ही होती है। पर कहीं ना कहीं कुछ फैसले और कानून ऐसे भी होते हैं जिनमें महिलाओं की बात करते करते पुरुष प्रधान कानून में ही तब्दील हो जाते हैं। कई कानून ऐसे भी हैं जो कानून तो हैं पर उन पर क्रियान्वयन उस गंभीरता से नहीं किया जाता जितना होना चाहिए, जैसे कि बाल विवाह प्रथा। इस पर लोग कितने गंभीर हैं ये सब जानते हैं, पर सरकार भी तमाम ऐसे कानून को लेकर सजग है कि ऐसा क्या किया जा सके कि महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वावलंबन के स्तर को और बढ़ाया जाए।
ऐसी ही एक राहत वाली खबर आई है कि देश में महिलाओं की शादी करने की वैध उम्र अब 18 उम्र से बढ़ाकर 21 वर्ष करने का प्रस्ताव केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूर कर लिया है। इसके लिए सरकार मौजूदा कानूनों में संशोधन लाएगी। सबसे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त पर लाल किले से अपने संबोधन में इसका उल्लेख किया था। उन्होंने कहा था कि बेटियों को कुपोषण से बचाने के लिए आवश्यक है कि उनका विवाह उचित समय पर हो। अभी पुरुषों के विवाह की न्यूनतम उम्र 21 और महिलाओं की 18 वर्ष थी। अब सरकार महिलाओं की शादी करने की वैध उम्र 18 से बढ़ाकर 21 करने का मन बना चुकी है, जिसे मूर्त रूप देने के लिए सरकार बाल विवाह निषेध कानून, स्पेशल मैरिज एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट में संशोधन लाएगी। आपको बता दें कि नीति आयोग में जया जेटली की अध्यक्षता में सन 2020 में बने टास्क फोर्स ने इसकी सिफारिश सरकार से की थी। इसके अलावा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, महिला तथा बाल विकास, उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा तथा साक्षरता मिशन और न्याय तथा कानून मंत्रालय के विधेयक विभाग के सचिव टास्क फोर्स के सदस्य थे। इस टास्क फोर्स का गठन पिछले साल जून में किया गया था और पिछले साल दिसंबर में ही इसने अपनी रिपोर्ट भी पेश कर दी थी। टास्क फोर्स का कहना था कि बच्चों के जन्म देते समय उम्र 21 होनी चाहिए। विवाह में देरी का परिवारों, महिलाओं, बच्चों और समाज के आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और सरकार का ये फैसला सही भी है, क्योंकि इससे अब देश की आधी आबादी भी कदम से कदम मिलाकर चल सकेगी। वहीं पढ़ने यानी उच्च शिक्षा का भी अब महिलाओं को मौका मिलेगा, क्योंकि अब महिलाओं पर जल्दी शादी करने का दबाव नहीं होगा। इस कानून के चलते सरकार को तमाम कानून में बदलाव भी करने होंगे, पर अभी एक प्रश्न बाकी है कि आम महिलाओं की देश में स्थिति पर इस कानून का क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि कानून तो बनते हैं पर उनका क्रियान्वयन भी बेहतर तरीके से हो, ये भी जरूरी है। फिलहाल इस नए प्रस्ताव पास होने के बाद आधी आबादी की तरफ से सरकार के लिए शुक्रगुजार है कि उन्होंने एक सकारात्मक पहल की है और आने वाले भविष्य में बेहतर परिणाम भी सामने आ सकेंगे। फिलहाल इस पूरे मामले पर इतना ही कहना चाहेंगे कि देर आए पर दुरुस्त आए। तो देखा आपने कि क्या कुछ था और क्या कुछ सरकार ने किया और क्या बेहतर करने का प्रयास यहाँ पर किया गया। पर सबसे बड़ी बात इस पूरे मुद्दे में ये है कि इस फैसले के लिए 43 साल का इंतजार क्यों किया गया, क्यों हम महिलाओं की समस्याओं के प्रति इतने गंभीर नहीं हैं कि कभी इसकी बात ही नहीं करते हैं। एक फैसला जो 1929 में किया गया था, एक फैसला जो 1978 में किया गया था और अब एक फैसला जो 2021 में किया गया, यानी आप कुल मिला के माने 43 साल बाद इस बात की घोषणा की गई, प्रस्ताव पास किया गया, इतना समय क्यों? जो 43 साल का समय है ये भी महिलाओं ने गुजारा है अपनी नियति पर, वो नियति जो कानून के हिसाब से बना दी गई। हालांकि कानून बनते हैं पर क्रियान्वयन उतना बेहतर नहीं हो पाता है जितना आदमी सोचता है। लगातार बाल विवाह कानून भी बनाए गए, रोकने की व्यवस्था की गई पर बाल विवाह होते हैं। 18 साल का जो कानून था जो 1978 में बनाया गया था, उस कानून को भी लोग फॉलो नहीं करते थे। उस कानून को भी जो हमारे पिछड़े क्षेत्र हैं वहाँ पर कोई उनकी सुनवाई नहीं होती थी और लगातार 18 से साल से कम उम्र की लड़कियों की भी शादी कर दी जाती थी। मैं मानता हूं भारतीय उपमहाद्वीप में लड़का लड़की की उम्र समय से पहले बढ़ती है, पर यहां पर उम्र का बढ़ना ही शादी की उम्र को निर्धारित नहीं करता, क्योंकि अगर निर्धारित करता होता तो फिर उच्च शिक्षा के तमाम पैमाने नहीं बनाए जाते।
निश्चित रूप से सीधी सीधी बात यह है कि अगर हम इस मुद्दे पर गंभीर हुए हैं तो इतना समय क्यों लिया गया और केवल केवल इस सरकार में इस बात को क्यों किया गया कि अब इस सरकार के द्वारा ये बात कही गई और अब ये कानून बनाया जा रहा है, प्रस्ताव पास किया गया है। आधारशिला मैंने बताया कि आधारशिला किस तरह रखी गई कि सन 2020 में जब प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त पर ध्वजारोहण किया था उसके बाद उन्होंने इस बात को कहा था कि महिलाओं के लिए कानून बनाएंगे। उसके बाद अपने बजट सत्र के दौरान 2021 का बजट सत्र था उसमें भी निर्मला सीतारमण जो हमारी देश की वित्त मंत्री हैं उन्होंने कहा था कि किस तरह से हम इस देश में आने वाले समय में महिलाओं के लिए काम करेंगे और उनके द्वारा ही 2020 जून में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया था, नीति आयोग की टास्क फोर्स जिसकी अध्यक्षता जया जेटली ने की थी। उसमें तमाम कानूनविद और तमाम विभाग के लोग शामिल थे और उसके बाद उस टास्क फोर्स ने दिसंबर 2020 में एक सिफारिश पेश की थी कैबिनेट को कि इस तरह का कानून आना चाहिए जिससे कि महिलाओं की उम्र 18 से 21 साल हो सके, क्योंकि 21 साल की उम्र ही वो उम्र होती है जब वो सुरक्षित मातृत्व कर सकती है, जब वो उच्च शिक्षा प्राप्त कर चुकी होती है, जब वो आर्थिक सामाजिक रूप से स्वतंत्र हो चुकी होती है, स्वावलंबी हो चुकी होती है। और उसके बाद 2021 में कैबिनेट में इस प्रस्ताव पर मोहर लगी है। इस दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि अगर ये कानून आ रहा है तो इसका लाभ क्या मिलेगा, तो महिलाओं के लिए सबसे बेहतर कदम साबित होगा और साथ ही साथ अगर बेहतर है तो आने वाले समय में जो उनकी सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता होगी वो भी बढ़ेगी, स्वावलंबी होंगी और साथ ही साथ उनका एक मनोवैज्ञानिक विकास जो होता है जिसको हिंदी में कहते हैं कि उनका ज्ञान उनकी समझ वो भी उच्चतम स्तर पे होगी, वो समझ सकेंगी कि अब क्या समय है, हमको किस तरह आगे बढ़ना है, किस तरह बेहतर करना है और आने वाले समय में किस प्रकार से हमको अपनी स्थिति को बेहतर करना है। पर सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही साबित होती थी कि इतना समय क्यों लिया गया, इतना समय क्यों लिया गया, ये बात और लोगों ने क्यों नहीं समझी, ये बात तमाम महिला संगठनों ने क्यों नहीं समझी, जो बात 1927 में जो महान शिक्षाविद न्यायविद थे उन्होंने कहा था, डॉक्टर हरबिलास शारदा, उन्होंने कहा था कि जो महिलाओं की आयु है जो पहले 1927 में 14 साल थी, मैं बता दूं 14 साल की उम्र थी जो महिलाओं के लिए निर्धारित की गई थी, उन्होंने इस बात का विरोध किया था और उनके विरोध के बाद उन्होंने एक पेश प्रस्ताव पेश किया था, उसके उस प्रस्ताव को पेश करते हुए 1929 में ये कानून बना था कि महिलाओं की उम्र अब 15 से 18 साल कर दी जाए, पर वहां भी केवल और केवल महिलाओं की उम्र 15 साल की गई। उसके बाद सरकार द्वारा 1978 में इस कानून में संशोधन करते हुए इस उम्र को 15 से 18 साल किया गया और तब से 1978 से ये उम्र जो 18 साल की उम्र थी जो हम सुनते चले आ रहे थे मानते चले आ रहे थे वो उम्र लगातार चलती चली आ रही थी 43 साल तक अनवरत लगातार। पर इसका खामियाजा किसने भुगता, इसे खामियाजा भुगता है देश की आधी आबादी यानी महिलाओं ने, वो महिलाएं जो जन्मदाता भी है, वो महिलाएं जो आश्रमदाता भी है, वो महिलाएं जो गृहिणी होने के हिसाब से पूरी गृहस्थी को चलाती है, पूरी व्यवस्थाओं को चलाती हैं, पर उन महिलाओं को लाभ, उनके महिलाओं को स्वास्थ्य संवेदना, उन महिलाओं को स्वावलंबी बनाना, उन महिलाओं को सामाजिक रूप से स्वतंत्र करना, आर्थिक रूप से उनको सशक्त करना, ये बात हमारे देश में केवल चलती आ रही थी, उस पर क्रियान्वयन नहीं होता था, बात नहीं होती थी, केवल और केवल महिलाओं को राजनीति में आरक्षण दिया जाएगा, महिलाओं को देश में आरक्षण दिया जाएगा, महिलाओं को नौकरी में आरक्षण दिया जाएगा, महिलाओं को रेलवे में आरक्षण दिया जाएगा, महिलाओं को नौकरी में आरक्षण दिया जाएगा, महिलाओं को हर परीक्षा में आरक्षण दिया जाएगा, पर महिलाओं की सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी थी वो होती है उनका पढ़ने सूत्र में बंधना, जब अपने घर को छोड़ के किसी दूसरे घर में दूसरे परिवार में प्रवेश करती हैं और दूसरे की गृहस्थी को संभालती, दूसरे परिवार का पालन पोषण करती हैं,
जो बड़ा निर्णय होता है, पर उस बड़ा निर्णय की तरफ किसी का ध्यान नहीं था, जो कि एक महिलाओं को सशक्त करने के लिए बहुत जरूरी कदम है। पर इस दौरान किसी भी संगठन द्वारा, किसी भी महिला द्वारा इस बात की बात नहीं की। मैं अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने इसकी पहल की, जब उन्होंने 2020-21 के बजट सत्र के दौरान ये बात कही थी कि अब इसको लेकर कानून आएगा, और बाद में टास्क फोर्स का गठन भी किया गया और सिफारिश भी हुई, और अब एक प्रस्ताव जो है कैबिनेट में पास हो गया है। पर इस प्रस्ताव के कई अन्य मायने भी हैं। दोस्तों, क्या होता है जब महिला की कम उम्र में शादी होती है? तमाम ऐसी चीजें हैं जो लोगों के जहन में नहीं है। कुपोषण, आर्थिक आजादी का ना होना, उच्च शिक्षा का प्राप्त ना कर पाना, आर्थिक रूप से स्वावलंबी ना बन पाना, तमाम ऐसी चीजें हैं जिसमें हमारे देश की आधी आबादी इस मामले में पिछड़ी हुई थी। कि जैसे ही लड़की 18 साल की होती थी और उसकी विवाह की चर्चा होनी शुरू हो जाती थी कि लड़की को उसके दूसरे घर भेजना है, और उसकी इस शिक्षा पर उसी समय रोक लगा दी जाती थी कि अगर आपके परिवार वाले, अगर आपके ससुराल वाले आपको कहेंगे तो आप पढ़ाई करिए, अन्यथा हमारी तरफ से आपकी शिक्षा पूरी हो चुकी है। पर इस फैसले के बाद अब वो तमाम महिलाएं हैं देश की जो पढ़ना चाहती है, जो आगे बढ़ना चाहती है, जो आर्थिक रूप से सशक्त होना चाहती है, जो स्वावलंबी होना चाहती है, जो रोजगार करना नहीं दूसरों को रोजगार देना चाहती है, उन तमाम महिलाओं के लिए एक बड़ा फैसला है और बड़ा प्रस्ताव है, जो देर आया पर दुरुस्त आया, क्योंकि इस समय इस फैसले की बहुत जरूरत थी, इस प्रस्ताव की बहुत जरूरी थी, क्योंकि हम 21वीं सदी के युग में जी रहे हैं। हम मोबाइल 2G नहीं, अब हम मोबाइल 4G और 5G यूज कर रहे हैं। हमारी तकनीक कहीं बेहतर हो चुकी है, चाहे अंतरिक्ष यान हो, चाहे रक्षा तकनीक हो, और चाहे मानव तकनीक हो, या तमाम ऐसी चीजें हैं जिसमें हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं और अग्रणी देशों के साथ उनके श्रृंखला में हैं। पर जहां महिलाओं के स्वावलंबन, महिलाओं के सशक्तिकरण, महिलाओं के स्वास्थ्य और तमाम चीज़ों की बात आती थी, वहां पर हम पिछड़े थे। पर इस कानून से कहीं ना कहीं उस जगह को एक बल मिलेगा और महिलाएं भी अब उच्च शिक्षा के लिए जा सकेंगी। हालांकि ऐसा नहीं है कि महिलाओं की आबादी उच्च शिक्षा के लिए नहीं जाती है, पर तमाम ऐसे देश, प्रदेश हैं, क्षेत्र हैं जहां पर महिलाओं का आज भी शोषण होता है, आज भी उनको बहुविवाह जैसी कुप्रथा में बांधा जाता है, आज भी सरकार के कानून का उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है, ना उनके माँ बाप पर, ना उनके संप्रदाय पर, ना उनके समुदाय पर, ना उनके प्रदेश पर, ना उनके क्षेत्र पर। पर सबसे बड़ी बात यह है कि असर पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर कानून आपने बनाया है तो उस कानून का क्रियान्वयन भी उस स्तर पर होना जरूरी है। क्योंकि अगर कानून की बात करें तो 27 में भी कानून बना, 29 में भी कानून बना, 78 में भी कानून बना, और 2021 में भी कानून बनने जा रहा है, संशोधन भी होगा, पर संशोधन के बावजूद अगर महिलाओं के साथ बहुविवाह या बाल विवाह जैसी कुप्रथा होती है तो उसका जिम्मेदार भी हमारा सिस्टम ही है, हमारा तंत्र ही है, क्योंकि यहां पर सजा का प्रावधान कम है। 1927 में केवल और केवल अगर आप 14 साल से कम उम्र की महिला की शादी कर देते थे तो महज 15 दिन की जेल की सजा का प्रावधान था और महज ₹1,000 जुर्माना। भाई 78 में यह सजा 6 महीने की हुई और जुर्माना 1,00,000 का हुआ, पर मेरे ख्याल से यह नाकाफी है, क्योंकि अगर महिलाओं के साथ आप गलत कर रहे हैं, उनकी कम उम्र में शादी कर रहे हैं, तो ये आप अपने साथ तो गलत कर ही रहे हैं, साथ ही साथ देश की पीढ़ी के साथ भी गलत कर रहे हैं, क्योंकि आने वाला भविष्य भी उन्हीं के द्वारा ही जन्मा जाना है। क्योंकि अगर भविष्य ही कमजोर होगा तो देश प्रगति किस ब्याह पे करेगा, किस आधार पे करेगा, क्योंकि महिला जन्मदाता भी है, देश की पीढ़ी को जन्म देने की जो परिचायक है वो महिला ही है। पर इस स्तर पर सोचना आज भी लोग नहीं चाहते हैं। बड़ी बड़ी बातें देश में होती हैं, बड़े बड़े महिला संगठन हैं, बड़े बड़ी बातें यहाँ पर की जाती, बड़े कानून बनाए जाते हैं, पर
बाल विवाह जैसी कुप्रथा को रोकने के लिए लोग लोगों ने तमाम प्रयास किए, पर अब भी आप अगर जाके आंकड़े निकालेंगे तो आज भी बाल विवाह के आंकड़े कहीं ज़्यादा हैं। बाल विवाह आज भी हो रहा है, तमाम ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पर बाल विवाह जैसी कुप्रथा आज भी चल रही है, जिनके ऊपर देश के मैरिज एक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो हिंदू विवाह अधिनियम जो 1955 की धारा 5 के अनुच्छेद 3 के हिसाब से, जिनमें आपकी धारा के अनुसार कहा गया था कि 18 साल लड़की की उम्र और 21 साल लड़के की उम्र, ये विवाह अधिनियम था। पर इस विवाह अधिनियम के मुताबिक कितने प्रदेश चल रहे हैं, कितने क्षेत्र चल रहे हैं, कितनी जनता चल रही है, कितने माँ बाप चल रहे हैं, किसी को नहीं पता। तो क्रियान्वयन अगर बेहतर होगा तभी इस प्रस्ताव का कोई लाभ हो सकेगा। हमने 18 साल से 21 साल तो कर दी है, बात कही गई है, संशोधन भी हो जाएगा और एक कानून भी बन जाएगा। अबे महज प्रस्ताव पास हुआ है, पर इस कानून बनने के बाद इस कानून का क्रियान्वयन किस स्तर पर हो रहा है, इसकी समीक्षा कौन करेगा? इसकी समीक्षा भी करनी जरूरी है, क्योंकि कानून बनते हैं उनका क्रियान्वयन उस स्तर पर नहीं होता जिस स्तर पर होना चाहिए, और आज इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि अगर हम क्रियान्वयन का समीक्षा नहीं करेंगे, कानून की समीक्षा नहीं करेंगे, लोगों से जो पीड़ित हैं उनसे पूछेंगे नहीं कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ, और उस गलत काम को, उस कानून को तोड़ने वालों के साथ अगर हम दंडात्मक रूप से बड़ी कार्रवाई नहीं करेंगे तो इस समाज में कैसे नजर जाएगी कि हमको इस कानून का पालन करना है, हमको अपनी बिटिया को उसके कानून के हिसाब से ही ब्याना है, हमको अपनी बिटिया को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है, हमको अपनी बिटिया को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाना है, हमको अपनी बिटिया को आर्थिक स्वावलंबिता भी देनी है और स्वाभिमान के साथ साथ स्वावलंबी भी बनाना है। पर इस कानून पर अब किस तरह से पास हो और किस तरह से लोगों के बीच में जाए और जनता इस कानून को समझे, कि सरकार केवल कानून बना सकती है, इस चीज़ को समझना, इस चीज़ को समझना जनता का ही काम है, उन तमाम माँ बाप का काम है जिनकी बेटियां हैं। बेटियां एक दिव्य रूपी लक्ष्मी हैं, आप और आप कन्या आपके यहाँ पैदा हुई है तो उसकी कम से कम सम्मान करें, उसको समझें कि उसकी सही उम्र किस जगह के लिए कहाँ है। अगर सरकार कोई आंकड़े पैसा पेश करती है या सरकार कोई कानून बनाती है तो कानून के पीछे तमाम बातें होती हैं, तमाम लोगों की राय होती है, तमाम निष्कर्ष होते हैं, तमाम तुलनात्मक अध्ययन होता है, और एक कानून किसी एक आदमी के बनाने से नहीं बनता, तमाम विभाग के लोग, तमाम बुद्धिजीवी इस कानून को बनाते हैं और बात करते हैं, उनको पता है कि लड़की की शादी की उम्र क्या होनी चाहिए, लड़की की मातृत्व की उम्र क्या होनी चाहिए, वो जानते हैं, तब ये बड़ा फैसला लिया जाता है। तो सबसे पहली बात यह है कि इस फैसले के साथ साथ आम जनता को भी समझना पड़ेगा कि उनकी लड़की अमूल्य है, उसको कानून के हिसाब से एक सही उम्र में शादी करना जरूरी होता है, वो उम्र जो सरकार द्वारा लागू कराई जा रही है, यानी 18 से उम्र बढ़ा के 21 साल की जा रही है। हालांकि लड़कों की अभी उम्र डिसाइड नहीं हो सकता है कि लड़कों की उम्र 23 साल कर दी जाए, पर महिलाओं की उम्र 21 साल करके एक बहुत बड़ा फैसला सरकार द्वारा लिया जा रहा है। इस फैसले के अभी तो कोई बात नहीं है, क्या परिणाम होंगे, इसका परिणाम केवल और केवल एक अच्छा भारत का सपना होगा। क्योंकि अगर लड़की की सही उम्र में शादी होती है, सही उम्र में मातृत्व होता है, तो एक अच्छा भविष्य ही भारत को देखने मिलता है, एक सशक्त भारत का निर्माण हो सकता है। पर इसकी जिम्मेदारी केवल और केवल सरकार की नहीं है, इसकी जिम्मेदारी हर उस आदमी की है जिसकी संतान लड़की है, और देश की जनता की है कि वो जागरूक रहे और तमाम उन बहु विवाह या बाल विवाह जैसी कुप्रथा चल रही है उसको रोका जाए। अगर कोई कहीं पर बाल विवाह जैसी प्रथा को चला रहा है, अपनी लड़की को सरकार के कानून के हिसाब से विवाह नहीं कर रहा है, जल्दी विवाह कर रहा है, तो उसका उस विवाह को रोकने की जिम्मेदारी भी आम जनता की है। क्योंकि वही आम जनता है जो जनता जनार्दन होती है, जो तमाम कानून से लेकर तमाम चीज़ों को जन्म देती है।
अगर परिवर्तन होते हैं और क्रांति होती तो उसके लिए आम जनता ही जिम्मेदार होती है। ये जनता ही है जो परिवर्तन को जन्म देती है और क्रांति को लाती है, तभी देश में बड़े बड़े परिवर्तन होते हैं और बड़े बड़े विधेयक और बड़े बड़े कानून लाए जाते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ ये कानून 43 साल बाद आया, पर आया तो है, देर आए दुरुस्त आए, इसे कानून का पालन करना जरूरी है। और आम जनता का मेरा ये निवेदन है, आम जनता से, तमाम उन पिता परिवारों से, तमाम माँ से, तमाम पिता से और तमाम देश के उन लोगों से जिनकी संतान बेटियां हैं, उनसे मेरी गुजारिश है, मेरा निवेदन है कि जो सरकार कानून ला रही है उसका पालन करें और अपनी बेटी को स्वावलंबी, आर्थिक रूप से सशक्त बनाएं, सामाजिक रूप से मजबूत बनाएं और साथ ही साथ एक ऐसी उच्च शिक्षा दें जिससे आने वाले समय में वो इस सशक्त भारत के निर्माण में सहयोग कर सके, आगे बढ़ सके। तो आज के इस मुद्दे में इतना ही, अगली बार किसी बड़े मुद्दे के साथ फिर होगी मुलाकात। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।